الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الله جل مجده الكريم دي حمد و ثنا حضور سيد العالمين امام الاولين والاخرين خاتم النبيين रसूल मुख्तार शफीए रोज़े शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम आप दी बरगाह नाज़ विच बेहद दो हिसाब दरूद ओ सलाम अल्लाह करीम दे हुजूर दुआए अज दी पाकीज़ा रूह परवर आली वकार हसीन बजम कबूलो मंजूर फरमाए इस बाबरकत बा मकसद इज्तमाद सदके इस्लाम नो गलबा मुसलमाना नो इज्जत व वकार नसीब फरमाए खाली के कायनात इस बजम दे सदके आलम इस्लाम नो इज्जत व कामरानी खैरो बराकात नसीब फरमाए बिलखसूस कश्मीर दे मजलूम मुसलमानों आज़ादी दा सूरज रोंगिया फलस्तीन यमन शाम समेत हर मुसलमान नो इज्जत सरबलंदी अपना करम फजल रहमत दा साया नसीब फरमाए इस हसीन इज्तिमा दे तसद्दुक नाल हर बीमार नु शिफा हर मुसाफिर नु मंजिल बे औलाद नु नेक सालेह नरीना औलाद हर बेगुनाह कैदी नु रिहाई हर मकरूज नु कर्ज तो निजात हर मुसाफिर नु हकीकी मंजिल हर तालिब इल्म नु दुनिया उकबा दे हर इम्तिहान विच कामयाबी नसीब फरमाए खालिक कायनात इस पाक सरजमीन ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान नो माशी तिजारती इक्तिसादी तरक्कियां दे नाल नाल निज़ामे मुस्तफा दी बहार नसीब फरमाए जिस जिसने अपने ओहदा मनसब दा नाजायज़ फायदा उठा के मुल्क लुटिया कौम दा खून पसीना चूसिया अकीदा खत्म नबूवत ते गद्दारी की थी हुजूर दे दुश्मनानू बशमूल आसिया मलूना अब्द शकूर नामी कादियानी नू फैसिलिटेट करके मुल्क तो बाहर भेजिया अल्लाह सब नू दर्जा बदर्जा जिल्लत रुसवाई और निशाने इबरत बनाए खतीब मिल्लत फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद मंशा साहिब कादरी जलाली
मद्दज़िल्लाहु अली, आपने हुक्म फरमाया, तुहाडी ज़ियारत दा शरफ मिलिया। मोहम्मद यासिर तुफैल और मोहम्मद यासीन अरशद, इस हसीन और पाकीज़ा इन्हें एकाद पजीर बजम अंदर हाजरी की शहादत मिली। खाली के कायनात तुहाडी मेरी हाजरी कबूलो मंजूर फरमाए। ऐसी पाकीज़ा मजालिस सानू नस्ल दर नस्ल नसीब फरमाए। जिस जिसने इस पाक बजा में हिस्सा मिलाया, दूर करीब तू चल के तशरीफ ले आए, शफकत की थी, सरपरस्ती की थी, हर एक आलम दीन नू, आशिक रसूल नू, मुहिब रसूल नू, गुलाम रसूल नू, कदम कदम ते खैर व बरकात और शर्र अशरार तू हमेशा महफूज फरमाए। बड़ा दिल नशीन खूबसूरत खिताब तुहाडे नाल मैं भी चंद लम्हात समात कीता। अल्लाह पाक ये हसीन पैगाम हमेशा अल्लामा मुहम्मद मंशा साहब की जुबानी जारी उसारी रखे। कोई बड़ी पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल शख्सियत, आलमी जात दी हामिल शख्सियत अगर किते जलवागर हो गए, ओदी आमद दे जलवागरी दे तीन नुमाया पहलू होंदे ने। उन्हां तिन्हां जिहतां चों एक जिहत है आमद, एक है अजमत, एक है जलवागरी दा मकसद। अगर ये तीनों चीज़ां असी अपने आका और मौला नाल जोड़िए तो फिर इनू इंज आखांगे, हुजूर दी एक है आमद, एक है सरकार दी अजमत, एक है करीम आका दी जलवागरी दा मकसद। ज़ाहिर है तुसी खासी देर तो तशरीफ फरमाओ तो मैं भी तुहाडी समा खराशी दा सबब देर देर नहीं बनदा। कोशिश करां कि मुख्तसर टाइम विच मैं अपने मौजू नूं थोड़ी टाइम विच तुहाडी खिदमत च हदिया करके इजाजत लईए और अल्लाह दी बारगाह विच रहमत बरकत नाल झोलियां भरन दी सआदत हासिल करी। हुजूर दी आमद, एक है हुजूर दी अजमत, एक है आमद दा थोड़ा जहा होर हौली बोलो आमद दा मकसद। अच्छा, ये मेहमान ते डिपेंड करता है। मेहमान एक होंदा है आम, कल मेहमान ने आना जी, अज असी इंतजाम कर लवोंगे, परसों आएगा दो दिन, हफ्ते बाद आएगा सात दिन, महीने बाद है 29 दिन, साल बाद आए, साढ़े को साल है जी, इंतजार करो, इंतजाम करो। फड्डा मेहमान है, इहदा मतलब है बड़े मेहमान का इंतजाम भी, हौली हौली बोलो, बड़ा ये तमाम भी बड़ा, जितनी बड़ी पर्सनैलिटी उतना बड़ा है तमाम, उतना बड़ा शायान शान। अच्छा, एक मेहमान हो जिदी आमद का फायदा सिर्फ मैनू है, उहदे लई मैं जश्न मनावांगा, खुशी मनावांगा। एक होवे कि नहीं, बड़े दर्जे का मेहमान है, सारे गली वालों नूं कहांगे यार इकट्ठे हो जाओ, तो मेहमान आ रहे, आपां सारिआं नूं फायदा है, तो उहदी आमद का शायान शान इस्तकबाल करिए। इहदा मतलब मेहमान का गली नूं फायदा है। थोड़ा जो होर हौली आखो, एक मेहमान हो रहे जनाब, महल वाले सारे रल के आखेंगे जनाब चौर साहब, खान साहब, मलिक साहब आओ, मेहमान बड़ा है, को गली लभ जानी है, कोई डिस्पेंसरी लभ जानी है, कोई बच्चियों का स्कूल लभ जाना है, दस्तकारी सेंटर लभ जाना है, बड़ा मेहमान है, सारे महलदार एहतमाम करेंगे। एक उस तो वड्डा है, मेयर आंदा जनाब मेरे शहर में कुछ ना कुछ लभना है। अच्छा, उस तो वड्डा आंदा जनाब अज मैनू फायदा, अज सूबे का मेहमान है, सूबे नू फायदा है। एक जनाब हाकिम ऐलान करे, सारे मुल्क वाले हो, कोशिश करो मेहमान शाया निशान, उदी आमद हो रही है, उदी आमद दा मुल्क नु फायदा है। मैं बिल्कुल जिद्दी नहीं, मैं तुहाडा इम्तिहान भी लैण दे मूड च नहीं, मैं सिर्फ तुहाडी खिदमत च ये मसला पेश करके तुहाडे कोलों राय ते हल लैना चाहना। मेरे हजूर की आमद दा जे है एक गल, पहले गल सुन लो,
ते गल सुन लो, मैनू तुहाडे जोश का पता है, मैनू पता है तुसीं हाजी अबू दाऊद सादिक साहिब दे शहर दे बंदे हो, ये मैनू पता है कि तुहाडे वजूद दी नस नस विच हजूर दा इश्क और मुहब्बत अलहमदुलिल्लाह आयां, ते गुजरांवाला दे शहर दा वैसे मशहूर हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहना, बच्चे बुजुर्ग जवानों मेरी गल सुन लेना, भाई हुजूर दी आमद दा फायदा अगर सिर्फ है गली नूं, अल्लाह दी इज्जत दी कसम ऐसा नहीं आंदे सजना नूं, सेलिब्रेट करो जश्न ना। सानू ये दस्सन भाई हुजूर दी आमद दा फायदा क्या है गली नूं है? थोड़ा जो होर हौली बोलो, क्या मोहल्ले नूं, शहर नूं, सूबा, मुल्क? जो हुजूर दी आमद दा फायदा और बरकत पूरी कायनात नूं है, ते फिर किसे बाल को ले पूछ दे क्यों वो ये जश्न क्यों मना रहे हो, ये बतियां क्यों ला रहे हो, ये सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो, कम ले हो, फायदा तो तुहानू भी है। अच्छा हाँ ये जरूर है, एक होंदा सड़ियल मिजाज शरीका, एक मेहमान तुहाडे घर आया ते ओ परले नूं बड़ी परेशानी हुई, वह की आंदा है एक दूजे नूं, लो पराडो तो किराए ते लई फिरदा सी, मैं वड़के मरनी तैनू की मेहमान उन्हां दा, वह सिर्फ सड़िया लाउंदा है, ते सियाने बंदे आंदे ने चवल ना मार, जाके मेहमान की खिदमत कर, कुछ तैनू भी लभ जाना है। मेहमान वड्डा है, उहदा फायदा भी वड्डा है, उहदी आमद दा जलवा गरी दी बरकत भी वड्डियां ने। हुण इस कायनात च फिर सोचो, एक मेहमान है साल बाद आना है, महीने बाद, हफ्ते बाद, एक होवे के जिन्हें जिदी आमद तो हजारा साल पहले ऐलान होया, ऐलान रब ने आप कीता, ते एहतमाम ओ इंसराम लई पहले सवा लख नबी भेजे, ओदी आमद तुसी दसो गैर मामूली है कि नहीं? हौली हौली बोलो। अच्छा बड़ी खूबसूरत बात कर रहे सन बरादर मोहतरम अल्लामा मंशा साहब, ए पुछदे ने सज्जे खब्बे मिलाद किथे लिखे, ए जशन, ए बतियां, ए लाइटां, ए चरागां किथे लिखे ने? केडी बदनसीब कौम है, मेहमान दी आमद दे एतमाम ते लड़ रही है, बतियां होनी चाहिए के नहीं, चरागां होनी चाहिए के नहीं, फुल सटने चाहिए के नहीं, पतियां सटनी हो, वड़के मरनी, जेड़ा वड़ा मेहमान है उतना बड़ा एतमाम भी होना चाहिए। लेकिन तुहाडा सुनियो, तुहाडे बच्चे जवानो, एक कम तुसा करना है, बाकी कम साढ़े जिम्मे, तुसा ये कहना है जेड़ा तुहानू पुछे, ये किथे लिखी है जनाब, ये झंडियाँ किथे लिखी हैं, ये मर्चा लाइटा किथे लिखी हैं? मैं अद्धी रात में जो घर जाइए ना सी, अमूमन रिपीटेड प्रोग्राम लगे होते चैनल पर, एंज खोलो ना तो चस बड़ी आती है, मसलन त्रै चार बंदे बैठे ने, एक पीता, एक पीपा, एक नूना, अपड़ गए ना, अगू एंकर पुछदा है पीपे को, दस हाँ तेरे दरदारी ने किया क्या, नहीं नहीं सर तुम समझ नहीं आई, वह मतलब ए नहीं सी ऐसी, वो फिर पीटे पीटे दस हाँ थोक के चटे जे कि नहीं, नहीं नहीं सर ए मतलब ए नहीं ऐसी, फिर वो आते नूने आते बाहर नहीं जाना मर जाए निकले हो कि नहीं, ना नहीं नहीं ए मतलब ए नहीं सी ऐसी। उस वेले मैं सजदा शुक्र अदा करना, वाह मौला तेरिया शाना, ये बेचारा अरब पति है तो दिफा कर रहे नवाज शरीफ के झूठ का, दिफा कर रहे इमरान के झूठ का, दिफा कर रहे जरदारी के झूठ का, ते मैं तो हुने गुजरा वाला जो आया मल्ले का किना है गरबी गरबी महला ख्याली महला चु मैं आया, बच्चे जवान बुजुर्ग जब बैठे सन ते ओ धुप हो गई, अच्छा गुरबत हो गई अमारत, ओ हर वेले दिफा आमिना दे लाल, हुजूर दा दिफा कर रहे हर वेले, हुजूर दा दिफा, इस तो बड़ी को खुश नसीबी है। अच्छा एक और समझो, अगर उन्हें इमरान की गल पूछनी हो पीपी वाले ने पूछेगा? हौली बोलो। जरदारी की गल पूछनी हो पीटे ने पूछेगा? नवाज शरीफ की पूछनी हो जे यू आई ने पूछेगा? उन्हें कहना नहीं, नहीं। ये ओदा बंदा है जनाब, ओदा बंदा है, ओदा ओदा बंदा है, ए ओदा बंदा है, एदे कोल पहुंचे क्यों कीता जे? खुदा दी कसम शुक्र अदा कीता करो रब दा, जो कोई तुहानू आखे ना ए नबी दा मिलाद किथे लिखे, उन्हूं आख अल्लाह तेरा शुक्र है सानू नबी दा समझ दे, नबी नू साडा समझ, अल्लाह
बस मदीने की गल आ गई तो हूँ फिर शरकपुर का नारा लाई तो फिर सारे का लाना पैना क्योंकि सारू सारे नाल प्यार है ना। फिर दूजे के मुरीद ने आखना मेरे बाबे ने नहीं लाया। पहली गल तो चस की है मदीने का जो आ गया सारे का आ गया है सुभान अल्लाह। तो अर्जे वे माशाल्लाह साहब असल तो क्योंकि सच्चे सुचे पीरों नू ना आवे तो चस आ जाती है हैं। तो शरकपुर वाले होवन गोलड़े वाले होवन बरेली वाले होवन खुदा की कसम है ते कीता ते ठठे ना ना। तो अर्जे वे नबी दे गुलामो बच्चियों जवानो जेड़ा तुहाडे कोल पुछे ए किथे लिखे जड़िया मिलाप किथे लिखे उन आखो चाय पेश करिए तुहानू लंगर पेश करिए भाई जन बोतल पेश करिए ठंडा पियोगे के तत्ता। वो फिर पूछे जनाब मिला मैं जनाब तुम हर शे दसने ये दसो तुम की पेश करिए अल्लाह शुक्रिया तुझे चस कर दी है यदा मतलब है साढ़े को जो पुछ रहा मिलाद कितने लिखे है अभी उन्होंने ही है ना आप किसी और को पुछ लेंगे साढ़े को पुछे जे तो अगली गल सुन लो ये तो जुमे वाले दसन गए अलामा मनशा साहब दसन गए कितने लिखे है साढ़े को इन्ना पुछ लो साढ़े नसीब च लिखे है वड्डी गल तुहानू अलामा साहब दसन गए जुमे वाले दिन आओगे हजरत साहब दसन गए अलामा साहब खतीब साहब दसन गए साढ़े को पुछो मिलाद कितने लिखे है जनाब साढ़े नसीबा च लिखे है। थोड़ा जहा होर हौली बोलो हुण तुसी खुद सोचो जी दी आमद गैर मामूली सवा लख नबी जी दी आमद दी अनाउंसमेंट करन आया क्या शाना वाली होएगी। सवा लख नबी आए सिर्फ ये दस रहे ने आ रहे हैं हौली बोलो। अच्छा हिकमत तो रब दिया रब जानता साढ़ा तो कम है जरा कोई नूर लब्बे पेश कर देना। मैं आख्या जो कायनात नबी लई धरती नबी लई सब कुछ नबी लई तो पहले च गल पहले नबी आ जाते गल ही मुकदी। हुण फरमाया जी मैं सब तो पहले मुस्तफा नू भेज देना तो फिर हजूर नू दसना पैंदा गल सुनो कायनात मेरे लिए ए जमीन आसमान मेरे लिए ये धरती सब्जा सब कुछ मेरे लिए। हुजूर ने खुद नहीं फरमाया सारी कायनात सजा के बना के गुलशन हर शह आबाद करके धरती तैयार करके सवा लख नबी आख रहे तैयार रहो आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे सवा लख नबी दसन वाला है। कैसी कौम है जड़ी आमद मुस्तफा दी शिद्दत नाल मुंतजर है। परवरदिगार ने की फरमाया फरमाया लकद मल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअथ फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خالق कायनात ने ऐलान करन लई सवा लख नबियां दा ए तमाम फरमाया फरमाया कौम मूसा दी ए जिक्र मुस्तफा दा ए जलसा यूसुफ दा ए जिक्र कमली वाले दा कॉन्फ्रेंस जूलस दी ए उनवाल ताजदारे खत्मे नबुवत ए ए जनाबे वाला जलसा अय्यूब याकूब दा ए गल्ला मेरे ते तेरे नबी दियां ने हजारा पजमा सजिया बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हुईया ला तादाद जलसे होए अनगिनत इजलास जनाबे वाला तरतीब दिते गए सारी कायनात अंदर धरती ते जगह जगह ते मजलिसो प्रोग्राम होए ने लेकिन हर नबी तेरे मेरे नबी दियां गल्लां कर रहे है आ रहे ने जिदे लई कायनात बनाई है जलवा कर खोवण वाले ने मकसूद कायनात दी तशरीफ आवरी है वजगे तखलीके कायनात दी जलवा गरी खोण वाली है रसूलां ते नबियां दा इमाम तशरीफ फरमा खोण वाला है बेनियाज ने कितने ए तमाम फरमाए बस अंदाजा खुद फरमा लो जदों सारे नबियां ने मेरे तेरे नबी दी आमद तो पहला
हजूर दा जिक्र कीता है जदो आमद तू पहला जिक्र जायज है ते आमद तू बाद उम्मती अगर आमिना दे लाल दी आमद दा जिक्र करे ते ना जायज कीवें हो सकदा है। रब्बे काबा दी कसम नबियां पहले दसी आए आ रहे ने आ रहे ने असा हुण कायनात आलम अंदर एही पैगाम आम कर रहे हैं। वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी गए फिरदौस परी जिसके वसीले से बनी गए वो मेरा नबी है। बल्कि बोलो वो मेरा नबी गए फिरदौस परी जिसके वसीले से बनी गए वो मेरा नबी गए। आवाज कोई भी चुप ना रवे मिलके आखो वो मेरा नबी। अच्छा अल्लाह दी मुराद परवरदिगार दी मंशा की है अल्लाह दी चाहत की है परवरदिगार दी मंशा की है। कुरान पढ़ो अल्लाह दा कुरान दस रही है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहू काना सिद्दीकन नबिया वज़कुर फिल किताब मूसा वज़कुर फिल किताब इस्माइल वज़कुर फिल किताब इदरीस वज़कुर फिल किताब मरियम वज़कुर फिल किताब ईसा। अल्लाह दी मनशा के तुसा मेरे नबिया का जिक्र करो मतलब इब्राहीम का जिक्र करके ओदी सच्चाई की गल करिए अल्लाह राजी होंदा मूसा कलीमुल्ला की गल करिए उन्हां दी अजमत की बात करिए अल्लाह खुश होंदा यूसुफ का जिक्र करिए अल्लाह राजी होंदा ईसा पाक की अजमत की बात करिए कुरानी उसलूब के मुताबिक रब राजी होंदा रसूल दी गल करिए अल्लाह राजी होंदा पैगंबरां दा तज़किरा करिए रब राजी होंदा। हुण सोच के दसो जे असां कलीमुल्ला नजीउल्ला शफीउल्ला रूहउल्ला दा जिक्र करिए ते रब राजी होंदा जे असां रल के रसूलुल्ला दा जिक्र करिए हबीबुल्ला दा जिक्र करिए रब कितना राजी होवेगा। इसे लई असां आखने आ सब से आओ जड़ा सोच के पढ़न दा दी सोच लवे बाकी मिलके आखो सब से आओ हमारा नबी सब से पाला हमारा नबी दोनों आ लेकिन नबी दे गुलामो फिर एक सवाल या एतराज अमूमन उठ दे लेकिन असान अल्हम्दुलिल्लाह एतराज तू घबरा दे नहीं असान तुआडा एतराज जितना जानदार होएगा साडा जवाब उतना शानदार होएगा। एतराज उठदा है सजना वल्लों सवालिया निशान उठदा है अमूमन लोग पूछदे ने यार एक गल दसो असा कह जी आंदे वज़कुर फिल किताब मूसा भी कुरान च वज़कुर फिल किताब मरियम भी कुरान है वज़कुर फिल किताब इस्माइल भी कुरान है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम भी कुरान है
جدو قرآن اچ براہ راست وذکر فل کتاب محمد نہیں ہے تا پھر تساں زور کیوں دیندے ہو جدو رب دی منشا تسی دس رہے ہو ایہی ہے پھر قرآن اچ اگر انج ہوندا تے اساں من لیندے اساں کہ آؤ ذرا قرآنی اسلوب تے غور فرما لو جدو بات کلیم اللہ دی آئی قرآن دا یاد کرو موسیٰ نو جدو بات روح اللہ دی آئی قرآن دا تذکرہ کرو روح اللہ دا جدو بات جناب ابراہیم دی آئی قرآن دا یاد کرو خلیل اللہ نو لیکن جدو بات رب دے یار دی آئی ہے رسولان دے سالار دی آئی ہے امت دے غمخار دی آئی ہے حبیب دی آئی ہے قرآن دا اسلوب بدل گیا انداز بدل گیا سٹائل بدل گیا اور کی بیان دے رب اللہ فرمان دے میرے یار دی زلفان دی گل کرو میرے یار دی اکھان دی گل کرو میرے یار دے سینے دی گل کرو انداز کی ہے قد نرا تکلوبا وجگ کفی سما فلن ولی جنک کی بلتن تردہ قرآن دے مازا غلب سر و مات غاب علن نشرا لکا صدرک و بدعنا عنک وزرک قرآن دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والدحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما کلا قرآن اعلان کر رہی آئے و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا ایک قرآن دا اسلوب وچ دس رہی آئے لا اقسم بغاز البلد وانت علم بغاز البلد یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر محدث اعظم فرما دینے سجنو اس تو بڑی نفاست کتھو لب کے لے آوا جدو تک بڑی جا رہی ہے چادرے ویک رہی ہے چادرے بزارے چے چادرے دکانے چے چادرے جدو محمد پاک کو لائیے نبی نے تھلے بچھائیے او دا نا بدل گئیے نبی نے اتے پائیے او دا نا بدل گئیے او جس خدا نو اپنے یار دی ہر ہر ادا اتنی پسند ہے اس نو محمد پاک دی دعا کتنی پسند ہو گئے محبوب دی بات آئی اسلوب بدلیا اسلوب بدلیا انداز بدلیا لیکن ویکھن والے آ کے بات سنو ہم نے تو قرآن پڑھا ہمیں تو عظمت نہیں ملی قصور انہاں دا بھی نہیں جیڑی شے کو ڈھونڈن جاندا ہے لب پیندی جنہاں ڈھونڈنی اپنے طور تے کوشش کیتی کی لبنا سی لیکن اساں کیا یاد رکھو بات قرآن دی ہوے نا کئیاں پورا قرآن پڑھ لیا ہمیں تو نہیں ملا بلکہ بعض بدبخت لوگ آکھیا ہمیں شیطان کا علم تو ملا نبی کا علم قرآن سے نہیں ملا حالانکہ اس چبر چبر نو کون دسے بھائی جیڑی چھاں تھاں تو تانو نہیں لبیا اس سے تھاں تے موجود ہے جتے تانو نہیں لبیا اتھے ہی موجود ہے لیکن جیڑی شہ بندہ ڈھونڈے لب دی ہے اسا کہہ جے قرآن پڑھنا جے پھر کسے صوفی تو پھکی لو پھر کسے غیرت مند بابے تو پڑی لو پھر کسے دانا حکیم نو نبض چک کراؤ نباز قوم نو جا کے پھکی منگو کسے محدث اعظم دے درد دریوزہ گھر کل کوئی پڑی لو بریلی دے بابے کل کوئی خوراک لو محدث اعظم کل کوئی جناب گولیاں لو اے تو
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਰਿਫਤ ਕੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਤਨਾ ਸੂਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਕਸਮ ਏ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਨਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਕੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕਹਿਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਕੀਮ ਜਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਦਾਮ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਅਜ਼ੇਰਾ ਸਭ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਮਾ ਲੋਕਾਂ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ ਤੇ ਖਾਸਾ ਰਮਜ਼ਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹਕੀਮ ਮਾਹਿਰੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਉਤਨੀ ਬੜੀ ਉਸ ਬਾਤ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਬਾਜ਼ ਮਾਹਿਰ ਹਕੀਮ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਨਬਾਜ਼ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਰੇਲਵੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਸਲੂਬ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਗਾਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਰੂਫ ਮੁਕੱਤਆਤ ਕੀ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਰੇਲਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਉਠਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾਫ ਹਾ ਯਾ ਐਨ ਸਾਦ। ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਦਾਨਾ ਹਕੀਮ ਅਜ਼ੀਮ ਫਲਸਫੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਾਫ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ, ਹਾ ਗੋਲ ਕਿਉਂ, ਐਨ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਿਉਂ, ਵੱਡੀ ਜੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾਨਾ ਨੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖੋ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਫ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਰਿਫਤ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਾਫ ਕੇਸੂ ਆਦਗਨ ਯਾ ਅਬਰੂ ਆਖੇ ਐਨ ਸਾਦ, ਕਾਫ ਕੇਸੂ ਆਦਗਨ ਯਾ ਅਬਰੂ ਆਖੇ ਐਨ ਸਾਦ, ਕਾਫ ਹਾ ਯਾ ਐਨ ਸਾਦ ਉਲ ਕਾਗਜ਼ੇ ਗੈਰਾ ਨੂਰ ਕਾ ਸੁਬਹ ਤੈਵਾ ਮੈਂ ਗੁਵੀ ਬਟਤਾ ਹੈ ਪਾੜਾ ਨੂਰ ਕਾ। ਅਗਰ ਫਲਸਫੀ ਤੇ ਦਾਨਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਲਮ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਅਲ ਕਿਤਾਬ, ਇਹੀ ਫਲਸਫੀ ਬਦਲੇਗਾ ਹਕੀਮ ਉਹ ਦਾਨਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਅਗਰ ਹਕੀਮ ਤੇ ਦਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਗੋਲੜਾ ਸੈਯਦੁਨਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਖਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਲੋ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਖਾਂ ਜਾਨਾ ਖਾਂ ਕੇ ਜਾਨੇ ਜਾਨਾ ਖਾਂ ਸੱਚੀ ਆ ਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਬਣੀਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਮਾ ਮਾਗਾ ਸ਼ਾਨਾ ਕਾਮਾ ਅਕਮਲਾ ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਾ
मुश्ता की आँखां किथे जाड़ियां। अगर दाना ते हकीमों में हजरत खाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले दी सूरत अंदर फिर वो बयान करके आंदे मैदा इश्क भी तू मैदा यार भी तू मैदा दीन भी तू ईमान भी तू मैदे फर्ज फरीजे आज जकात सोम सलात अजान भी तू मैदा जिक्र भी तू मैदा फिक्र भी तू मैदा शौक भी तू वजदान भी तू मैदा किबला काबा मस्जिद मिंबर मुसहफते कुरआन भी तू मैदा इश्क भी। ये डिपेंड कर दे डिपेंड करता है मेहमान ते कितनी बड़ी आमद ए तमाम भी उतना बड़ा। अच्छा ढूंढन वाला फिर इस चक्कर च नहीं पैंदा इज्जत करने वाला बतियां चरागा। ओ नबी दे उम्मतियो आओ गौर करो किनू किनू फायदा होया किनू नहीं होया। कायनात चरागा लेके ढूंढो बत्तियां लेके ढूंढो पूछो तो सही किनू फायदा होया किनू नहीं होया। ओ कोई मिलाद नहीं मनाना चांदा लड़ाई नहीं करनी बत्तियां लाना चांदा नहीं लड़ाई नहीं करनी। लेकिन आज रात थोड़ा जिया गौर करिए और कोई आमद मनावे ना मनावे वो तेरी मेरी माँ जरूर मिलाद मनावे क्योंकि मुस्तफा दी आमद नाल इदे कदमा तले जन्नत आई है। और कोई मिलाद मनावे ना मनावे तेरा मेरा बाबा जरूर मनावे इदी जियारत हज उमरा करार पाई है। और कोई मिलाद मनावे ना मनावे यतीम जरूर मनावे क्योंकि ला आमेना दलाल फरमाया जिस घर च यतीम खुश है मैं मुहम्मद राजी रब दी जन्नत पक्की है। और कोई मिलाद मनावे ना मनावे बीमार जरूर मनावे जिदी तीमारदारी ते कुर रब दा कुर्ब भी मिलदा है और जन्नत भी लभदी है। और कोई मिलाद मनावे ना मनावे तेरी मेरी बेटी भैन जरूर मनावे वो जड़ी जमीन च जिंदा दरगोर होवन तू बच गई है। और कोई मिलाद मनावे ना मनावे मेरा तेरा पड़ोसी जरूर मनावे तिनू मिठे बोल ते जनाब पर कोनू ओदे जनाब पड़ोसी नू जन्नत लभी है। और कोई मिलाद मनावे ना मनावे मुसाफिर जरूर मनावे जिनू फैसिलिटेट करन ते जन्नत लभदी है। और कोई मिलाद मनावे ना मनावे ओए माड़ा जरूर मनावे मजदूर जरूर मनावे जिदा पसीना सुकण तो पहले ओदे हक ते मजदूरी देवण दा ऐलान आमेना दे लाल ने कीता है। असा एगी पुछना चाहने आ रब्बे काबा दी कसम जिद्दी नहीं आ असा जबरदस्ती नहीं कर दे आओ कायनात च किसे नू पुछ लवो तेनू हजूर दी आमद नाल इज्जत लभी है कि नहीं हजूर दी जलवा करी नाल बरकत लभी है कि नहीं हजूर दी तशरीफ आवरी नाल मकाम मिलिया कि नहीं हजूर दी जलवा करी नाल इज्जत अजमत मिलिया ने कि नहीं। ओ सुनियो हर गली नुक्कर घर दे बाहर खड़े होके पूछना चाहती हो ढूंढना चाहती हो ढूंढो कोई नहीं मिलेगा फिर तुहाडा हक बनता है। चौक होवे चौराहा मस्जिद होवे या मरकज उठे खड़े होके बरमला आख सकते हो कौन है वो के जैसे का मुकद्दर मुस्तफा ने संवारा नहीं है ते सामने आवे आके सानू दसे जिनू इज्जत अजमत नहीं मयसर आई असा पूछ रहे हैं कौन है वो के जिस का मुकद्दर
मुस्तफा ने सवारा नहीं है जुज मोहम्मद के हर गिज किसी का दो जहां में गुजारा नहीं है जुज मोहम्मद के हर गिज किसी का दो जहां में नहीं है ए जुज मोहम्मद के हरगिज किसी का दो जहां में गुजारा नहीं है ए कोई मान या माने ना इसको फैसला तो खुदा का यही है जो तुम्हारा नहीं या मोहम्मद दिल यकी वो हमारा नहीं है ये नहीं आंदे आओ साडे नाल जश्न सेलिब्रेट करो सोच के दसो देवबंदी वहाबी सुन्नी शिया क्या तुआडी मां दे कदम तले जन्नत जियो टीवी रखी है एआरवाई ने रखी है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो ने तुआडी भैन बेटी मां दा तकद्दस कीता या मुस्तफा दे आमद नाल होया हाय हाय सुभान अल्लाह तो फिर सोच के दसो जे तुआडा हक बने अपने आप नु गली देवण वाले नु सड़क देवण वाले नु जनाबे वाला मीटर देवण वाले मेहमान दी इज्जत तुसा करो तुआडा हक है ते जिने कायनात नु इज्जत दीती उस मुस्तफा दी आमद ते सानू जश्न मनावण तो तुआडा पियो भी नहीं डक सकदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਆਲਮ ਅੰਦਰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਆਏ ਉਹ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ ਅਲਾਮਾ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਸਯੂਤੀ ਨਿੱਕੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸਯੂਤੀ ਕੋਈ ਪੀਟੇ ਪੀਪੇ ਨੂਨਿਆ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸਯੂਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਾ ਤਰ ਮਰਤਬਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਖਨਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਜਿਤਨਾ ਦਿਲ ਆਵੀ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨਿਆ ਨਾਨ ਤਲਾਂ ਤਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੁਲਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਦਰਜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ कोई फाजिल होवे ते पूछे गुजरा वाला दे गैरतमंद लोगो मैं इतना पूछना चाहना मिलाद ते भौंकण वाला जाखिल हक च लिखण वाला 75 मरतबा नबी दी जियारत करण वाला जलालुद्दीन सयूती ए इतराज करण वाला मुतलक जाखिल हक च लिखण वाला इब्ने जौजी ए कौन इब्ने जौजी ए जदो वक्त विशाल आया है अपने शागिर्दा नु आंदा जदो मैं मर जावां गुस्ल देण वास्ते जंगल चो लकड़ियां नहीं कठिया करनिया मेरे हुजरे विच मेरिया कलमां दे बच्चे टोटे मौजूद ने अग ला के पानी गर्म करके मैनू गुसल देना है आखे राज की है आंदे जदों कब्र च मा कुन ततकूल हो फी हम के हाजर रजुल लै के आवन के मलाइका मैं आखांगा मेरे कोल पुछ दियो मैं ते 20,000 सफ़ियां ते जिन्ना कलमां नाल हुजूर दी अजमत नक्श करके आया अज आखरी गुसल भी उन्हां कलमियां दे कलमां दे टोटियां नाल करके आया एक खुद सोचो एक पासे जौजी है एक पासे राजी है एक पासे गजाली है एक पासे रोमी है एक पासे मुल्ला लिकारी है एक पासे जनाबे वाला ऐसे ऐसे मुहद्दिस ने दूजे पासे मुतलक जाहिल ने मैं क्या सुन ले इंतजाम दा आलम है वे शेख मुहद्दिकान चरिंदे परिंदे आमद ते मुबारक पे देंदे ने इमाम सालगी फरमांदे ने आयनात दा निजाम अजीब सजिया हो जाए आलम वे यहूदियां दा मुरब्बी बंदे कट्ठे पिया कर दे इज्तिमा करके रो रो के इज्तिमा नु खिताब करके आखरी है ताला नजम अहमद लजी वलद फी गाजी लैलते अय लजी तुलुहु अलामत अला विलादत ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तलक लैला ओ यहूदियो आज तुहाडा इकबाल रुस गई है खुश नसीबी रुखसत हो गई है इज्जत सरबलंदियां दा सूरज डूब गया है आके होया की है आंदा बच्चियो आज इज्जत अजमतां दा ताज पाके नबियां दा सुल्तान बन के रसूलां दा इमाम बन के आज हाशिम दे वेड़े मुहम्मद अरबी आ गया जे
ہن تساں دسو جی دی آمد تے غیر معمولی انتظامات ہون نواب صدیق بھوپالی اہل حدیث مسلک دا معروف نام آکھے رب دی بارگاہ وچو خصوصی انتظام کی ہوئے ترائے علم لاگو علم مولانا صاحب دی اردو دی کتاب وچ کتے زبر زیر نہیں سوائے اس جملے تے علم لا دیو ترائے علم مولانا صاحب نے شاید جان بوجھ کے اے دے اوتے زبرہ لائیاں تک انہاں نوں پتہ سی بچے ڈنڈی مارو من گئے علم لا دیو ترائے نمبر ون کعبے دی چھت تے لا دیو مشرق تے مغرب وچ لا دیو اللہ کی حکمتاں نے فرمایا یار میرا کعبہ گھر میرا انتظام میرا سبحان اللہ تواڈی کعبہ رب دا گھر جھنڈا رب نے لوایا کعبے تے قیامت تک لئی دس چھڈیا گھر بھی میرا یار بھی میرا انتظام بھی میرا اذان گھر بھی ساڈا نبی بھی ساڈا جھنڈا بھی اصل ہے تینوں پیڑ کیوں ہے دوجا مشرق چلا دیو مغرب چلا دیو اے دی کی حکمت ہے فرمایا اے آمنہ سوچ رہیاں نے بچہ یتیم پیدا ہوئے ابا ہوندا کھڑاندا کھلاندا پلاندا اٹھاندا آمنہ مشرق تے مغرب دے جھنڈے سرحداں تے لا کے اساں دس رہے ہاں مشرق وی تیرے پتر دا اے مغرب وی تیرے کائنات ہے ہی تیری جھنڈے کس نے لگائے تھے ازاں کہ رب نے آپ لوائے کیونکہ کافران دا مشرکان دا ماحول ہے رب کہ میں آپ لوانے ہولی بولو مشرق کے جھنڈا لگیا نبی دی اممہ کل دور بھی نہیں مائکروسکوپ نہیں گھر وچ بہ کے مشرق دا جھنڈا دیکھیا ساڈی نکی جی جھنڈی جڑے سجن نو برداشت نہ ہوئے سارا ٹبر لو کائنات دیاں انچی ٹیپاں لو مشرق وچ لگیا جھنڈا ناپو جدو ناپ ناپ تھک پو گے پھر سوچ لینا رب دا ایڈا وڈا جھنڈا پچا گئے ساڈیاں نکیاں نکیاں وی پچا جاؤ جھنڈی ہولی ہولی بولو رولا نہ پاؤ نبی وی ساڈا جھنڈے وی اساں لائے نے آیا ساڈی اللہ کرم ہو جائے ایک شفقت ساڈی ولو ہی ہے نبی دے غلاموں آو ویکھو انتظامات غیر معمولی کی نے امام صالحی سبل الخداور رشاد اندر فرما دے نے ہر عالم اتنا خوش ہے کتے تے جناب آواز آ رہی ہے ولد المصطفی والمختار الذی تحلق بیدہ الکفار ویطغر من عبادت الاصنام ویامر بعبادت الملک اللام اج کائنات دیاں عزتاں تعریفاتاں دا مالک جلوہ گر ہو گئی ہے پھر آکھن دیو جدو سوا لکھ نبی آ رہے نے آکھ رہے نے آ رہی آئے آ رہی آئے آ رہی آئے آ رہی آئے تے اسا ایو کو جا آکھ رہے ہاں کہ پے کرے دل ربا پر کہ آیا روگے عرض و سما بن کے آیا پے کرے دل ربا پر کہ آیا روگے عرض و سما بن کے آیا سارے پلو پے کرے دل ربا پر کہ آیا روگے عرض و سما بن کے آیا سب رسول خدا پر کہ آئے وہ حبیب خدا پر کے آیا سب رسول خدا پر کہ آئے وہ حبیب خدا کیا امت دا حق نہیں بندا اسیں یہ کچھ آکھ رہے آ گئے نے کی آکھ رہے ہیں آ گئے نے جنہاں لئی کائنات بنی ہے آ گئے نے جنہاں لئی دھرتی سجائی گئی ہے تے کیا کوڑ ہے کیا عزت عظمتہ نہیں ملی کیا تاریکیاں اجالچ نہیں بدلیاں
क्या जहालत वहशत बरबरीयत की जगह इल्म हिकमत और दानाई ने नहीं ली तो फिर ये उम्मत क्यों लड़ रही है? तुहानू पता है नुकसान किन्ना होया? इस बेहया बदनसीब कौम ने किदा नुकसान किया पता जे? जेड़ी कौम इस चक्कर च पई है किथे लिखे है रिजल्ट की निकलिया कि बड़े बड़े सीनियर जहां दीदा दानश्वर लोग इस ते लगे ने पतियां जायज ने फुल जायज ने जनाब लैटिंग जायज है डुब के नहीं मर गई कौम? इतने बड़े मोहसिन आजम ते फुलां ते पतियां ते अजे तक लड़ाई पई होंदी है, अगू की हासिल करोगे? तुसा कुफर नूं नहीं वेख्या कित्थे पहुंच गए? इस तो बड़ी बदनसीबी की हो सकती है तुहाडे कोल वजीर मुशीर आवे ते सारे चबल कट्ठे होके उहदे कोल जाके बैंदे हो, आओ यार लड़ो ना, फायदा चुक लियो, गली बना लईए, मोहल्ला बना लईए। नबियां दा इमाम आया, इंसानियत नूं मेराज दी बुलंदियां ते पहुंचाउण आया, तुसां जे पतियां ते लड़ रहे हो ते कुफर तुहाडे उत्ते सवार हो चुके है, तमाम तर तरक्कियां तुहाडे कोल छीन के तुहानूं जिल्लत रुसवाई दीआं गड़ियां चीरा रहे, अजे कौम नहीं जाग रही? इस हद तक बदमाशी और बेहिसी दा आलम है, वे किस हद तक पहुंच चुकी है कौम? फलस्तीन दियां धीआं पुकार पुकार के कह रही ने, यूरोप जनाब कश्मीर दियां बेटियां पुकार पुकार के कह रही ने, अरब दा सफाक दरिंदा जिन्हें कमीने लोग पैदा किए ने लाल रुमाल वाले घटिया कुत्ते हरम च बह के उम्मत ते हमलावर हो रहे ने, भौंक रहे ने, अजे तक उम्मत इस चक्कर च पई है मिलाद दियां बत्तियां हराम ने? एक कुत्ता डुब के नहीं मरदा स्टेज केड़ा मुहम्मद अरबी दे घर कोल बह के भौंक रहे उम्मत दे उत्ते? अमरीका तुहाडा बाप है, यहूदों ने सारा कुत्ते हो तुहाडे बाप ने, सब तो बड़ा दुश्मन ही तुहाडा मुहम्मद अरबी दा गुलाम है। 20 किलो तलवार चाह के ट्रंप नाल नचण वाले कमीने हो, मोदी नु मंदिर दी चाबियां पेश करन वाले कुत्ते हो, मोदी नु अबू ज़हबी दी मस्जिद दी सैर करावण वाले वैसी जानी हो बेगैरत हो, ए दीन ए कमीने हो, हुजूर दी उम्मत नु मुशरिक काफिर कहण वाले बेगैरत हो, इहदा ना दीन है, हुजूर दी इज्जत अजमत नु ना मन्नो, ए मिलाद दीआं बत्तियां ते बगैर तो सर्फ करोगे सब कुछ, तुहाडे प्यो दा सरमाया लगे। सुन्नी मेहनत करके गरीब आदमी हलाल कमा के चार बत्तियां नबी दे लावण दी कोशिश करे, कुत्ते हो तुहाडी भौक ही नहीं मुकदी? नबी दे नां ते खाण दा मतलब है वे मिंबर तेरे प्यो दा नहीं हसनैन दे नाने दा। ये उम्मत हक पई अदा कर दी नबी दे गुलाम होवण दा, ये हक पई अदा कर दी काबे दे इमाम होवण दा। ट्रंप अमन दी फाखता, ट्रंप अल्लाह दी रहमत, दुश्मन भी यो जड़ा नबी दी आमद दा इस्तकबाल जिदे वाल अज भी फलस्तीन दी धीर होंदी है ते मुंह कर दी है पाकिस्तान वाल, ये दुश्मन। कश्मीर दी बेटी रोवे ते पुकार दी है पाकिस्तान दे नौजवान नु, ये दुश्मन है। अज उम्मत नु बदनसीबी किस हद तक पहुंच चुकी है, की करना चाहते हो, केड़े पासे ले जाना चाहते हो? और जदों तुहाडे घर नु खतरा होवे बदमाशो बगैर तो ओदे आदे उम्मत साडी मदद करे, काबे नु खतरा है, रोजा रसूल नु खतरा है, कोई रोजे नु काबे नु खतरा नहीं, तुहाडियां बेगैरतियां नु खतरा है। जिहड़ा दुनिया नु शर्मगमाल करके बेहयाई दे मनसूबे फैलाए गए, अज ताश दे पत्तियां दा जुए खानियां दा सिनेमा हाल केड़ी केड़ी शह कुफर दे अगे लेट के नहीं जे मन्नी, अज रोंदे हो भौंकदे हो आंदे हो, पाकिस्तानी हो साडी मदद करो। इमाम हरम ने आके इत्थे आख्या, हमें जब मुश्किल आती है तो पाकिस्तान की तरफ देखते, सागे इयो साडे कोल सिख बन के मरनी, जदो तुहाडे ते औखा वेला आवे पाकिस्तान वल वेखदे हो, सानू मामा ने लोरीए च बात दसी है जदो औखा वेला आवे नबियां दे सुल्तान वल वेखो। नाराज़ तो नहीं हो? हो भी जाओ ते टेंशन कोई नहीं है, एक केदा दीन है, तुहानू नबी दी आमद एडी परेशानी है। मैं वेख्या मौलविया ने बड़े बड़े पोस्टर लाए, आलम मसालम मरहबा इमाम हरम, तुस आख सकदे हो एक काबे दे इमाम दियां गड्डियां दे टायर चुम्मण लिया, असा सैयद दे हाथ चुम लै कमीनिया तेरे वडके मर गए, तू हरम दे काबे दे इमाम दियां टायर टायरां नु चुम्मे जाए दे। ये दीन दे अंदर इस तरह रखना अंदाजी न कर, इंसान दा पुत्तर बन तेनू नहीं चंगी लगता दीन ते जा परे ना, नानकियां कोल टुर जा, असा दसांगे साडियां इज्जतां ते अजमतां सब कुछ मुस्तफा दे सदके। मोहब्बत नाल बोलो।
मेरे नबी दे प्यारे गुलामो आओ इस अंदाज नाल दुनिया में सेलिब्रेट करो। मैं फिर पूछना चाहना मौलवियों को दसो, 6 अरब इंसान 3 अरब ईसाई 1.5 अरब मुसलमान दुनिया सिमट के मोबाइल कम्युनिकेशन ने मुवासलाती सिस्टम ने मोबाइल दी निक्की जी स्क्रीन च रख के टच बटन बच्चे दे हाथ च दे दिता है दुनिया दा सारी नू सामने रख के बैठा है। वो दौर चले गया जो पिंड दे लोग शहरां च आके खबर लै जांदे हन की होया है, जो शहरां दे लोगों नू कई दिन बाद पता लगता सी फला मुल्क च की होया है। हुण दुनिया हर वक्त ऑनलाइन है ते दसो ते सही जो 6 अरब च 3 अरब ईसाई ईसा पाक दी अजमत ते रिफत बयान करन, ओ मौलवी ओ बंदे दे पुत्र बन के मैनू जवाब दो। मुसलमान चुप करके बह जावे कि साडे नबी दी शान ही कोई नहीं। 3 अरब ईसाई बच्चा तेरे मेरे बच्चों को सोशल मीडिया ते मुसलसल क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। दस चुप करिए मुल्ला, कोई कुत्ता नबी दी इज्जत ते हमला करे वेखे की होया नार दे अंदर। वैशी दरिंदगी वैशत और बरबरीयत किथे पहुंच गई है कमीने तू इस ते डक रहे ए राह सारे किने खोले ने। हरम शरीफ च बैठे हुए सफाक दरिंदे मौलवियां ने लत लत चाड़ के कमीना बैठा कुरान थल्ले पे है उस हाथ से जुत्ती और सत कुरान फेरन वाले ने आज कुरान दी वैल्यू किथे पहुंचाई है। डूब के नहीं मर जांदा है। पुछ इकबाल को इकबाल की आंदा है जब मैं उंदलस गया मैं करतबा मस्जिद देखिया मेरिया चीखा निकलिया लेकिन मैं फिर सोचा कि काश इत कोई दाता हजवेरी खाजा अजमेरी आया हों जिदा भाव मौजूद ये दीन की बरकत ने सिर्फ तलवार के नाज नहीं साढ़े को अलहमदुल्ला जिस तरह तलवार वाला सलाहुद्दीन अयूबी है उसके किरदार वाला नूरुद्दीन जिंदगी भी है। साढ़े को तलवार वाला तारिक बिन ज़ियाद है ते किरदार वाला दाता हजवेरी खाजा हजवेरी है। मेरे नबी दे प्यारे गुलाम नौजवानों तुआडे मेरे ते जरूरी है आलमी दुनिया दे हालात भी सामने रख ते कुरान चू नबी दी अजमत रिफत भी बयान कर तेरी मेरी नस्ल दे उत्ते ऐसा एदा असर होवे कि तेरी मेरी नस्ल बेहयाई तो मुसलसल बच। नबी दी अजमत आमद रज के मनाओ डट के मनाओ इंज सेलिब्रेट करो लोगों को पता लगे इन्ना वाली आया तो इन्ना का कुछ नहीं वाला। यकम तो लैके 12 तक मुसलसल मिलाद दी आमद बत्तियां ला लाइटा ला चरागा कर। ओ मौलवी सुन कुछ चीजा फर्ज नहीं आंदियां वाजिब नहीं आंदियां मगर जरूरी आंदियां। जाग रहे हो हर गल ते बड़ी के मुर्ख मर्दी है ना पूछिया कर फर्ज है वाजिब है की है। बदनसीबा कुछ चीजा फर्ज भी नहीं वाजिब भी नहीं मगर जरूरी। एडी सोनी मस्जिद बनाई जे फर्ज है हौली बोलो एडे सोने पखे लाए जे फर्ज है ये जड़ी सीलिंग कराई है वाजिब है। कदे किसी मौलवी की मां नहीं मरी ये पूछा होवे लेकिन लोग आके गल सुनो जो तो घर बन गया पक्के मस्जिद भी पक्की जो तो घर च एसी मस्जिद च भी तुहाडी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तवज्जो है जो तो घर च गलीचे मस्जिद च भी गलीचे हर शाय बदल दी गई निजाम बदलता गया जो बच्चे की शादी ते चरागा नबी दी आमद ते चरागा अंदाज बदल गया। तवज्जो है कि नहीं जो किसी बड़ी शायद नेमत ते खुशी हुजूर दी आमद ते उसको ज्यादा खुशी। मैं पूछना चाहना मौलवी हो देवबंदी हो वहाबी हो सुन्नी हो शिया हो सोच के दसो जो काबे वल जाओ सामने 5 करोड़ डॉलर नाल खतीर रकम नाल लिपटिया खिलाफ फलस्तीनिया नु वंडो घर बन जावे कश्मीरिया नु वंडो घर बन जावे पाकिस्तान च वंडो कई बेवा निकाह तो खाली नहीं यतीम घर के मालिक बने 5 करोड़ डॉलर काबे दा खिलाफ। कदे किसी मौलवी ने नहीं आख्या हो सुरतियो हो मुतवियो बदमाशो लाओ गिलाफ मैं तवाफ नहीं करना ओरिजिनल शेप च काबा कड्डो ता आख्या किसी ने मां मर जांदी है सारे घुमरा अंदर मां कब बड़के मरनी कोई ओने क्या मैनू ते इस बारी बड़ा मौका मिले मैं की मैनू काबे दा गिलाफ दा टुकड़ा लभे है मैं आख्या फर्ज आई वाजिब भाई गिलाफ उत्ते लिपते एडा वड्डा कीमती ना वाजिब ना फर्ज
मौलवी दस दिन वाजिब है ना फर्ज है मगर जरूरी है। मैं क्या क्यों को काबे नु पाला लगता है आज एक कबर दे उते चादर रखो ना भाज के पूछ दे बाबे नु पाला लगता है। मैं क्या काबे ते मोटा खिलाफ है हारे ले सर्दी लगती उसे बोलता पाए जितनी बड़ी अजमत वाला घर है उतना बड़ा लिबास ते शानदार खिलाफ जरूरी है। मैं अक्या सुन जिवें काबे दा हया कीता ही इवें काबे दे काबे जहरा दे बाबे दा भी हया कर नवाजब ना फर्ज मगर जरूरी मगर आमद बेमिसाल अगू अजमत दसो किदी आमद है ओदी आमद है जेड़ा जमीन ते कदम रखे बंजर जमीन आबाद होंदी है। इशारा करे चन कलेजा चीर के कदम च रख इशारा करे डुब्बा सूरज पलट के सलामी देवे इशारा करे दरख्त शाखा जड़ा समेत चल के इशारा करे अबू जल घुटदा रह जावे मुट्ठी चीर के कंकरियां ए ओदी अजमत अगला है मकसद ये तुआडे मेरे लिए जरूरी अगला काम तुआडे मेरे लिए नौजवानो मकसद की ये ओ झंडियां लावण वाले हो हुण जे झंडी नाली च डिगी तो फिर आशिक नहीं है। फिर जे तेरा को कन पकड़ के आखे ना रोंदे इश्क नु झंडी चुक ओनू आख शुक्रिया चुक तो तू भी सगना में मगर हक मेरा शुक्रिया झंडी तले ना डिगे जाग रहे हो मिलाद दा मकसद एवे जलूस कड मगर बावजू होवे सिर ढकिया होवे नजरां झुकिया होवे लबां ते दरूदो सलाम दे नगमे हो ये है मकसद ये है मकसद। जलो गली सजा गुजरा वाला दे लोग ते बेमिसाल सजावट कर दे गली सजा कोई बहन बेटी माँ बाहर निकल के गली दी सजावट ना हो क्योंकि बहन बेटी पाक है मुमकिन है कोई इंसानी रूप च बोली कुत्ता पे फिर दोवे जिदे तू इज्जत बचाना मुश्किल होवे नाराज तो नहीं हो शरीयत च पहले औरत दा तहफ्फुज़ और तकद्दस है। मिलाद दा मकसद है वे जदो गली सजाओ महल्ला सजाओ जदो जनाबे वाला लाइटा मर्चा लाओ ए भी जरूर वेखो उस गली विच कोई बेटी भैन जनाबे वाला अब्बे दे घर च बैठी है जहेज दी लानत दी वजह नाल बैठी है इस हाथ नाल 10,000, 20,000, 50,000 दे ओदी रुखसती दा इंतजाम कर इस हाथ नू पता ना लगे लोग पुछन बच्चिया की गल ओनू आख चाचा जी मिलाद दा मकसद है वे जेड़ा बच्चा यतीम है ओदी तालीम दा भार उठा ले ओनू आके मिलाद दा मकसद है जेड़ा भूखा है ओनू खाना खवा जेड़ा मुसाफिर है मंजिल ते पुछा जेड़ा प्यासा है पानी पिला जेड़ा बेटा जनाब किताबां रहण दा हक नहीं रख जनाबे वाला पोजीशन नहीं रखदा किताबां लेके दे ए लोग पुछन की ए ओनू आख मिलाद दा मकसद की ए जदों नुक्कर के गली च खड़े होया किसे दी भैण बेटी गुजरन लगे निगाह जमीन ते झुका दे ओनू पता लगे मिलाद वाला जानी नहीं होंदा मिलाद मनावन वाला शराबी नहीं होंदा मिलाद मनावन वाला बदकार नहीं होंदा मिलाद मनावन वाला सूदखोर नहीं होंदा ओ घर जाके अपने वीर नू दसे अपनी मां नू दसे अज मैं गुजरी हां ते नौजवाना निगाहां झुका लिया ने एदा मतलब है मेरे जियां भैणा दे वीर ने एदा मतलब है शरीफ मावां दे पुत्र ने एदा मतलब है नेक बापा औलादे नबी दे गुलाम हो जदों इस अंदाज नाल मिलाद सेलिब्रेट करोगे जदों मुसाफरां नूं मंजिल देवोगे बजुर्गां नूं थां देवोगे जदों बुढ़िया बंदियां नूं जनाब
मंजिल ते पहुंचा के भार उठाओगे, जदो यतीमां नाल प्यार करोगे, जदो लोगां दा सहारा बनोगे, जदो नंगियां नूं लिबास पवाओगे, जदो भुखियां नूं खाना खवाओगे, जदो प्यासियां नूं पानी पिलाओगे, जदो गरीबां दी मदद बनोगे, जदो यतीमां दा सहारा बनोगे। और जदो सुबह वेले अम्मा दे उठण तो पहले जुतियां सिद्धियां करके रखोगे, अप्पे दे जोड़े सिद्धे करके रखोगे, मां पियो अगू नजर झुका के बोलोगे, उच्ची नहीं बोलोगे, जी अप्पा जिवें तू आखे उंजीए, जिवें मां तेरी मर्जी उंजीए। जदो इंज करोगे फिर मिलाद दे दुश्मन भी आखणगे, यारो बच्चियां नूं मिलाद ते लाओ, क्योंकि मिलाद मनांदे ने नबी दी अजमत सुणांदे ने और मुस्तफा दी आमद दा मकसद अपनांदे ने। तसव्वुर पेश कीता, लकद मन अल्लाहु अलल मुमिनीन, ए आमद ते जलवागरी दा कुरान ने दसिया, होई ही मोमिनो तुहाडे वाले। इस बात सफीगम रसूलम मिन अनफुसिगम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, हिकमत ते दनाई ते अजमत ते रिफात ते शान ते शौकत ते तुहाडी भलाई ते खैरखाई ते मोहब्बत ते चाहत सब कुछ इहदे दामन करम नाल जुड़िया है। अगली गल कुरान ने जड़ी कीती है, इनकानो मिन कबल लफी दलालिम मुबीन, मां पियो दी इज्जत ते अजमत ते भैणा दी शफकत ते धियां दी मोहब्बत ते पड़ोसियां दा एहतराम वेख के पिछली मंजिल याद करना, इस तो पहले आलम की आई, इनकानो मिन कबल लफी दलालिम मुबीन, उजड़ियो आवे के नावे, धियां हन मगर जिंदा दरगोर, काबा हाई मगर तवाफ नंगा, इंसानियत हाई मगर निकी निकी गल तो लड़ाई, सब कुछ हाई मौलवियो, सब कुछ हाई, बंदे दे पुत्र बनो, हुण दसो मुस्तफा दी आमद नाल ए धियां भैणां दे रिश्ते तैनूं किसने दित्ते, जे हसनैन दे नाना ने दित्ते तां फिर बह के बत्तियां बुझा के भौंक ना, फिर 12 रबीउल अव्वल नूं जशन मना के दस, जिन्हें सब कुछ दित्ता जाए। जे दिल ना मन्ने ना, असां एडे परेशान ते लड़ाकू नहीं आ, मौलवी जी अगर तेरा दिल नहीं मनदा, तेरा ख्याल 12 नूं पैदा नहीं होए, तां ना परोला, असं ये ते भी एतराज नहीं करते, असाने 12 नू आए, तू दस 21, 25, 27, 13, 9 वड़के मरनी कोई तारीख का दे, जेड़ी तारीख नू असं जलूस कढ़ीए, नाम ही साढ़े अल, नाम ही साढ़े अल, कसम है रब्बे काबा ती, तू जलूस का तयन करके, डेट का तयन करके जलूस कढ़, जे तेनू जूस दे डब्बे बिरयानी दे पैकेट जे फुलां दे हार गल च न पाइए, रब की कसम है सानू आखी, क्योंकि सानू तो चाह ही बड़े चढ़ने, नबी साडा जलूस तू पिया कढ़ने, कढ़ के वेख, कसम लड़ाकू ते हाँ ही नहीं, कोई डेट तो दस, कोई डेट तो दस, इस डेट नू नबी आए ने, जे हजरत उमर दे यौम दा जलूस कढ़ने, उस्मान दा कढ़ने, अली दा कढ़ने, हजरत अबू बकर दा जलूस कढ़ने, तो फिर नबी की अजमत रिफत दे जलूस दे उत्ते कम अज कम तेनू टौंकण दा हक नहीं। जे साजिद मीर दे नाल जलूस जाए जे, मौलवी डीजल दे नाल जलूस जाए जे, तायर अशरफी जैसे ड्रम दे नाल जलूस जाए जे, जिस मौलवी अपना साजिद मीर दा जलूस जाए जे, ते फिर बंदे दा पुत्तर बन आप सईद नाल तुरे ते जाए जे, जे मुहम्मद अरबी दे नाल दा जलूस निकले ते बड़ी कमर नहीं सड़िया ना कर, इतना हक है साडा के कढ़ के जलूस आओ। नौजवानों मकसद अपनाओ, मकसद मिलाद वाले हो तुसा जरूर अपनाओ, तुसा जरूर अपनाओ, तुसा जरूर अपनाओ, मिलाद वाले हो सुबह उठ के अम्मा दे जोड़े सीधे करो, मुसल्ला बिछा के देओ, अब्बे दे जोड़े सीधे करो, अब्बा जी मुसल्ला बिछा दिया, वक्त दा गौस ते कुतब ते अब्दाल, 100 तवीज लिख के तेरे गल पावे उतना फायदा नहीं जितना तेरी अनपढ़ अम्मा दे हिल दे होठां दी दुआ दा असर होना है। अम्मा नू मुसल्ला बिछा के दे, वजू करा के दे, जोड़े सीधे कर, कम ते स्कूल कॉलेज जान लगे, अम्मा दे चुम पैर, अब्बे दे चुम हाथ, महल्ले दी बीबी खाला फुफी पूछे, तेरा मेरे पुत्र दी मार्किट कॉलेज यूनिवर्सिटी हेक के, मेरा लड़के जांदा है तेरा पैर चुम के जांदा है, तेरी अम्मा फखर नाल आखे, बीबी जी तेरा पुत्र फिल्म वेख के सुत्ता होना है, मेरा रात कमली वाले दा मिलाद सुन के आया। मकसद अपनाओ, मिलाद दा मकसद अपनाओ, अल्लाह करीम हुजूर दी गुलामी ते नौकरी जिंदा रखे।
हजूर की इज्जत और नामूस का पारा देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तुहाडे घरां दी बच्चियां दी नस्लां दी फसलां दी गलियां दी मकानां दी मकीनां दी खैर फरमाए। आमीन वाखर दावा।